नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमना को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजीआई से नफरती भाषणों पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ लगातार भाषण हुए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठाने तक की बात कही गई थी। वहीं हरिद्वार धर्म संसद के आयोजकों और घृणित भाषा देने वालों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इन 76 अधिवक्ताओं ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली और हरिद्वार में हुई धर्म संसद में न केवल घृणित भाषण दिए गए बल्कि एक समुदाय के नरसंहार का खुला आह्वान भी किया गया। वकीलों के पत्र में कहा गया है कि यह न केवल भारत की एकता अखंडता के लिए गंभीर खतरा है बल्कि लाखों मुस्लिम नागरिकों की जिंदगी को खतरे में डालने का मामला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में इस महीने की 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। यहां मौजूद लोगों के विवादित भाषणों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वक्ता धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, 2029 तक मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने और हिंदू समाज को शस्त्र उठाने का आह्वान करने जैसी बातें करते नजर आए थे। इसी तरह का एक कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में बीते रविवार को हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का भी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इस वीडियो में भी एक समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा और हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए शपथ दिलाई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।